ओके सो लेट्स बिगेन ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है इट्स अ टू कंडक्टर सिस्टम जिसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है जेड नॉट है जेड नॉट किस पे डिपेंड करता है प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और इन्हीं प्राइमरी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन तो बेसिक कैरेक्टर्स से बनने वाला जो इम्पिडेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड सोर्स से कनेक्टेड है सोर्स इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. दिस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लेंथ इज नोन एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ. अनदर एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड विद लोड तो यहाँ पर लोड कैसा है ओपन है तो ओपन सर्किट का जो इम्पिडेंस होता है वो कितना होता है इनफाइन होता है जैसे मान लीजिए रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस ओपन सर्किटेड है तो उस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट होगी तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन दिस ट्रांसमिशन लाइन इज़ नोन एज ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन तो, तो, तो देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन का जो लोड इंड है वो क्या है शॉर्ट है तो रजिस्टेंस यदि शॉर्ट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ज़ीरो होगी तो शॉर्ट सर्किट का इम्पिडेंस कितना होगा जीरो होगा तो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो नाम होगा वो क्या होगा शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन होगा तीसरा केस देखिए कि तीसरे केस में लोड किससे कनेक्टेड है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड दैट इज़ जेड नॉट और ट्रांसमिशन लाइन का जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो भी क्या है जेड नॉट है क्या दोनों मैच कर, कर रहे हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मैस्ड ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे तो चलिए आप एक चीज़ नोटिस करिए जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन मैंने बताई उनका जो नाम डिसाइड किया है वो कैसे डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोड डिसाइड किया है लोड के बेसिस पे उसका नाम डिसाइड किया है तो लेट्स बिगन ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशेंट ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशेंट तो ये कौन सा पोजीशन है लोड की पोजीशन है तो लोड का इम्पिडेंस कितना है इनफाइनाइट है यदि एल इक्वल्स टू जीरो बोलूँ तो मतलब यहाँ पर मैं कहाँ पर खड़ा हूँ लोड पे खड़ा हूँ मैं रिफ्लेक्शन कोफिशेंट मेजर करना चाहता हूँ कहाँ पर लोड पर तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ गामा एल मतलब क्या बोलूँगा रिफ्लेक्शन कोफिशेंट एट लोड। रिफ्लेक्शन क्यों होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है जब इम्पिडेंस क्या करे मैच ना करे तो देखिए क्या जेडल और नॉट दोनों क्या मैच कर रहा है नहीं एम्पिडेंस में डिफरेंस है हाँ है यदि इम्पीडेंस में डिफरेंस है तो रिफ्लेक्शन होगा इम्पीडेंस में डिफरेंस हो तो रिफ्लेक्शन होगा चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं जेडल की वैल्यू कितनी इनफाइनइट मैंने लिमिटिंग केस लगाया जेडल टेंस टू इन्फिनिटी जेडल ऊपर नीचे से कॉमन लिया तो ये आया और जेडल की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वन बाई इन्फिनटी जेड नाट बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला वन मिला वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वन रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू वन है इस चीज़ का मतलब ये है कि जो भी वेव आएगी वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो आप याद करिए सोर्स से लोड की तरफ चलने वाली वेव को हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट वेव बोलते हैं और लोड से सोर्स की तरफ चलने वाली वेव को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं क्या इम्पिडेंस दोनों का मैच कर रहा है ये नॉट है ये जेडल है दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस का डिफरेंस डिफरेंस है इम्पीडेंस कम्प्लीटली मिसमैच कर रहा है यदि एल इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर मैंने लिखा है तो एल इक्वल्स टू जीरो मतलब मेरी लोकेशन कहाँ पर है जब जब कभी भी एल इन्वॉल्व होता है तो आप हमेशा याद रखना कि आप ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हो लोड से ऑब्जर्व कर रहे हो एल इक्वल्स टू जीरो की पोजीशन है मतलब आप कहाँ पर खड़े हो लोड पे खड़े हो गामा एल का मीनिंग क्या है कि रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कहाँ पर लोड पर तो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू कितनी आई वन आई वेव पूरी क्या हो गई परफेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गई रिफ्लेक्ट तो वैसे एक तरीके से ऐसा सोचा जाए तो क्या ये एक मिरर के तरीके से काम नहीं कर रहा है बिल्कुल कर रहा है जो भी वेव आ रही वो पूरी की पूरी क्या हो रही है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो आप ये बोल सकते हो कि यदि ऐसी सिचुएशन मिली तो आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी विल बी कन्फाइंड विद इन द स्ट्रक्चर ये हमारा ऑब्जर्वेशन है तो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू कितनी आई वन ट्रांसमिशन लाइन का नाम क्या है ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन रिफ्लेक्शन क्यों होता है इंपीडेंस क्या करे मिसमैच हो तो रिफ्लेक्शन होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं वोल्टेज एंड करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तो आप हमेशा याद रखिए कि ओपन सर्किट पे हमेशा क्या होता है वोल्टेज होता है और शॉर्ट सर्किट पे करंट हम कौन सी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की तो देखिए ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है जीरो है फिर यहाँ कहीं मैक्सिमम हुई फिर जीरो हुई फिर इसी तरीके से मैक्सिमम ज़ीरो इस तरीके से चल रहा है ओपन सर्किट पे ओपन सर्किट पे क्या मिलता है हमेशा वोल्टेज तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है ग्रीन वन देखिए वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है फिर ज़ीरो होगी फिर मैक्सिमम होगी फिर जीरो होगी फिर मैक्सिमम होगी हो तो कैन ही से कि वोल्टेज एंड दिस इज़ नथिंग बट इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट ये करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा चलिए पॉइंट नोटिस करते हैं यदि ए, ए डैश की बात करूँ तो ए डैश पॉइंट कहाँ पर है लोड पर है लोड पर है मतलब लोड पर है लोड पे इम्पिडेंस कितना है इनफाइनाइट है चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं ए डैश पे ए पे करंट कितनी है जीरो है ए डैश पे वोल्टेज कैसा मैक्सिमम है चलिए अब बी पे आ जाते हैं बी पे करंट कैसी है बी पे करंट, बी बी डैश इनको देखना है अपने को बी पे करंट मैक्सिमम, बी डैश पे वोल्टेज कितना जीरो अब चलिए सी सी डैश को देखते हैं सी पे करंट जीरो सी डैश पे वोल्टेज मैक्सिमम आप ऑब्जर्व करिए कि जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ वोल्टेज क्या है मैक्सिमम है जहाँ पे करंट मैक्सिमम है वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है जीरो है यदि आपको कभी ऐसा पैटर्न दिखे तो इस पैटर्न को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न कभी भी ऐसा दिख जाए दिख जाए करंट जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो ऐसा कभी भी पैटर्न दिखे तो आप बिल्कुल बोल दीजिए कि वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है तो ये वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम क्यों मिला क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है यहाँ पे करंट क्यों जीरो मिला क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती इसलिए करंट की वैल्यू क्या होती है जीरो अच्छा एक बात और क्या ये हाफ ऑफ दी वेवलेंथ है बिल्कुल है तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी लेमडा बाई फोर होगी ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी लेमडा बाई टू होगी तो ये कुछ बताता है करंट का मिनिमा और करंट के मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है लेमडा बाई फोर इस करंट के मिनिमा और इस करंट का मिनिमा दोनों के मिनिमा के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा लेमडा बाई टू का ये जो भी वैल्यूज है वो हमने इस ग्राफ के नोटिस करने के बाद हमने निकाला है तो दिस इज़ नथिंग बट वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तो आप हमेशा याद रखिए कि ओपन सर्किट में करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम कौन सा पैटर्न बनेगा स्टैंडिंग वेव पैटर्न करंट के मिनिमा मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई फोर दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में डिस्टेंस लेमडा बाई टू होगा तो चलिए आगे चलते हैं इसका हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में मैंने एक इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पहले डेराइव करके रखा है तो जिससे नहीं भी आता है तो उस फार्मूला को देख ले कि जेड एल कभी भी एल इन्वॉल्व है तो आपको ये हमेशा याद कर रखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है लोड पर है ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ पर है लोड पर है कहाँ पर लोड यहाँ पर यदि एल इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है लोड पर खड़ा है ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है दूसरी बात ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस हमने डेराइव किया था ये इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है यदि कहीं पे भी आपको टेन बीटा एल जैसा टर्म दिखता है तो ये बात पक्की है कि ये किस कैसी ट्रांसमिशन लाइन है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है व्हाट इज़ द लॉट लॉस ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे आर की भी वैल्यू जीरो हो जाए और जी की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाए दोनों किस तरीके के एलिमेंट हैं दोनों लॉसी एलिमेंट हैं लॉसी एलिमेंट हैं मतलब लॉस किसके फॉर्म पे हो जाता है हीट के फॉर्म पे हो जाता है यदि दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए तो लॉस नहीं होगा यदि आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है रेजिस्टेंस क्या है शॉर्ट सर्किट है जी की वैल्यू जीरो हो जाना मतलब ये क्या है ओपन सर्किट है क्योंकि रजिस्टेंस और कंडक्टेंस में इन्वर्स रिलेशन होता है एल क्या है एल क्या है लोकेशन यदि एल इक्वल्स टू जीरो बोल दूँ एल इक्वस टू जीरो बोलू एल इन्वॉल्व है मतलब आप कहाँ से और ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं लोड से यदि एल इक्व टू जीरो बोल दिया तो आप कहाँ पर खड़े हैं लोड पर जेड नॉट क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है जेडल क्या है लोड इम्पिडेंस है चलिए ओपन सर्किट के केस में लोड इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होती है वो जेडल की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट चलिए आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखते हैं एक काम करते हैं इनफाइनाइट डायरेक्टली तो नहीं रख सकते है. हम जेडल जेडल दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं कॉमन लिया ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जेडल यहाँ पर नीचे आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला जेडल यहाँ नीचे आ जाएगा तो जेडल की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों हट जाएंगे तो मिलेगा क्या और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे वन बाई जे टेन बीटा एल और बाहर पहले से जेड तो ये क्या आ जाएगा माइनस जेड जेड कॉट बीटा एल तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो इम्पीडेंस है ये इम्पिडेंस कैसा दिख रहा है ये इम्पिडेंस में यदि इम्पिडेंस को आप देखिए तो इम्पिडेंस में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है तो ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो इम्पिडेंस आया वो कैसा आया प्योरली इमेजनरी आ रहा आया मतलब कि रिएक्टिव इम्पिडेंस है कैसा इंपिडेंस आया इमेजनरी पार्ट का आया तो मतलब कैसा इम्पिडेंस रिएक्टिव इम्पिडेंस अच्छा अब आप याद करिए कॉट कॉट का ग्राफ ऐसा ड्रा करते थे प्रीवियस कभी क्लासेस में देखा होगा काटेक्स का ग्राफ ऐसा ड्रा करते थे कॉट एक्स इजकल टू क्या होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स पाई बाई टू पर वैल्यू क्या होगी इसकी जीरो होगी ये कॉटक्स का ग्राफ होता है अच्छा यदि इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे वैल्यू कैसी है पॉजिटिव माइनस के साथ यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव और ये नेगेटिव वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव देखिए ये क्या है माइनस काटेक्स का ग्राफ है ये माइनस काटेक्स कुछ भी नहीं है माइनस वन मल्टीप्लाई बाई काटैक्स तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि हम अब किसका कॉट बीटा एल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो चलिए हम कॉट बीटा एल का ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये देखिए माइनस कॉट बीटा एल का ग्राफ कुछ ऐसा होगा क्या चलिए इस माइनस कॉट बीटा एल का ग्राफ ऐसा होगा अभी हमने पीछे पिछले पेज में सीखा कि माइनस कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा होगा तो माइनस कॉट बीटा एल का ग्राफ ऐसा होगा अच्छा इस इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यदि लोकेशन चेंज करूं यदि एल को वेरी करूं एल इक्व टू ज़ीरो क्या कहलाता है कहां पर है लोकेशन हमारी लोड पर है यदि एल इन्वॉल्व है तो कहाँ से ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं लोड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ पर होगी लोड पर होगी ये कॉट बीटा एल का कर्व होगा माइनस कॉट बीटा एल का कर्व होगा बिल्कुल होगा तो इससे क्या समझ में आया कि यदि एल की वैल्यू चेंज करूँगा तो मेरा पूरा इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा चलिए देखते हैं एल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कभी भी ट्रांसमिशन लाइन एंटीना माइक्रोवेव आप किसी भी केस में देखिए जो हमेशा डायमेंशन है वो किस में देते हैं वेवलेंथ के टर्म में देते हैं तो चलिए मैंने लेंथ रखा लेंथ इज़ इक्वल टू लेमडा बाई फोर इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि ऑब्जर्वर कहाँ से चलेगा पहले बात देखिए एल इन्वॉल्व है ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है लोड पर खड़ा है ऑब्जर्वर को कितनी लेंथ चलनी है लेमडा बाई फोर कहाँ से चलेगा लोड से लेमडा बाई फोर चलेगा ठीक है इस चीज़ का मीनिंग ये है चलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो कॉट टू पाई बाई लेमडा बीटा की वैल्यू टू पाई बाई लेमडा ले और लेंथ की वैल्यू कितनी लेमडा बाई फोर तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट टू टू यानी एल ये टू टू जा फोर यानी यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है तो चलिए इस ग्राफ में देखिए ये जीरो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है जीरो है देखिए आप इसमें ग्राफ देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है एल है तो वेरिएबल हमेशा हम किस एक्सिस में रखते हैं हॉर्जेंटल एक्सिस में यहाँ लेंथ की यहाँ एल की वैल्यू कितनी है जीरो है और यहाँ पे यहाँ पे देखिए इंपीडेंस कितना आना चाहिए इम्पिडेंस कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए किस डिस्टेंस पे आना चाहिए लेमडा बाई फोर तो इस ग्राफ में देखिए इस ग्राफ में इम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो यह बात पक्की है कि ये ये डिस्टेंस कितनी होगी ये डिस्टेंस कितनी होगी लेमडा बाई फोर होगी यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी जीरो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी लेमडा बाई फोर क्या लेमडा बाई फोर पर इम्पीडेंस जीरो आ रहा है बिल्कुल आ रहा है मतलब यहाँ पे भी इम्पिडेंस हमें जीरो मिल रहा है तो अभी यदि पूछूं कि यदि लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई टू रखता हूं, लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई टू रखता हूं, तो इस फार्मूले में लेंथ की वैल्यू लेमडा बाई टू रखूं तो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई टू लेमडा लेमडा कैंसिल आउट टू टू कैंसिल आउट कॉट पाई मतलब इनफाइनाइट लेंथ कितनी चलनी है लेमडा बाई टू कहाँ से चलनी है लोड से चलनी है लोड से लेमडा बाई टू चलनी है तो लोड से लोड यहाँ पे क्या होगा एल इक्वल्स टू जीरो पाई बाई टू डिस्टेंस चलो सॉरी लेमडा बाई टू डिस्टेंस चलो तो यहाँ पे इम्पिडेंस कितना हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है यहाँ पे इम्पिडेंस कितना है इनफाइनाइट हो रहा है यहाँ पे इम्पिडेंस कितना हो रहा है जीरो हो रहा है किस लेंथ पे हो रहा है लेमडा बाई फोर पे तो आप अच्छे से नोटिस करिए आप जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या इम्पिडेंस चेंज हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो इस चीज़ का मतलब ये है कि यदि मैं लेंथ चेंज करूँगा तो मेरा इम्पिडेंस क्या होगा वेरी करेगा तो ये कहने का मतलब है तो इस ग्राफ को आप हमेशा याद रखिए ये ग्राफ बहुत यूज़फुल है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो चलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है हम इसको पैसिव एलिमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं चलिए कैसे करते हैं अच्छा देखिए यदि मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है क्या ये ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, है। यदि आप देखिए तो ये ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ जो है लेमडा बाई फोर से कम है ये डिस्टेंस कितनी होती है लेमडा बाई फोर तो इससे कम डिस्टेंस यहाँ कहीं पर होगी यहाँ कहीं पर होगी तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे देखिए इम्पिडेंस किसकी तरफ है नेगेटिव की तरफ है इम्पिडेंस किसकी तरफ है नेगेटिव की, की तरफ है तो जेड एल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जे तो माइनस जे किसके केस में आता है कैपेसिटर के केस में आता है मतलब ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी कैपेसिटिव होगी चलो एल इक्वल्स टू जीरो पे एल इक्वस टू सॉरी एल इक्व टू लेमडा बाई फोर पर क्या होगा ये ट्रांसमिशन लाइन के ये एल इक्व टू लेमडा बाई फोर रखा था तो ट्रांसमिशन लाइन कितना इम्पीडेंस शो कर रही थी जीरो इम्पिडेंस शो कर रही थी अभी पिछले पेज में कैलकुलेट किया था चलिए आपके सामने एक ट्रांसमिशन लाइन है इस ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इस ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है लेमडा बाई फोर से तो ज़्यादा है लेमडा बाई फोर से ज़्यादा है लेकिन लेमडा बाई टू से क्या है कम है तो चलिए इस बीच में कहीं पे लेंथ होगी ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ लेमडा बाई फोर से ज़्यादा है लेकिन लेमडा बाई टू से कम है तो यहाँ कहीं पे पहुँचेंगे हम तो यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस कैसा दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि जेडेल आपको कैसा दिखेगा जेडल इज टू प्लस टाइप्स ऑफ जे एक्स जे एक्स मिलेगा तो प्लस जे किसके केस में आता है इंडक्टर के केस में आता है तो पक्की बात है ट्रांसमिशन लाइन कैसी होगी इंडक्टिव होगी तो आपको क्या समझ में आया कि कभी ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटर की कैपे कभी ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव इम्पिडेंस शो कर रही है कभी इंडक्टिव इम्पिडेंस शो कर रही है तो ये कैपेसिटर इंडक्टर ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं पैसिव एलिमेंट्स होते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारी जो ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है वो पैसिव एलिमेंट के तरीके से बिहेव कर सकती हैं बिल्कुल बोल सकता हूँ अच्छा चलिए मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है लेंथ लेस देन लेमडा बाई फोर है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को धीरे, धीरे 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 रिड्यूस कर रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यदि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को रिड्यूस करूँगा तो उसका कैपेसिटिव नेचर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा क्यों क्योंकि इस तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका लेंथ इसके बीच में वेरी कर रहा है लेमडा बाई फोर से ज़्यादा है और लेमडा बाई टू से क्या है कम है तो चलिए इस ट्रांसमिशन लाइन की धीरे धीरे लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसका इंडक्टिव नेचर बढ़ता जा रहा है तो मैं इस तरीके से इस इस ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज कर सकता हूँ आगे देखिए आप देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस इन्वर्टर की तरीके से काम करती है देखिए कैसे करती है कि ये मान लीजिए ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है जेडल कितना है इन्फिनिटी है एल इन्वाल्व है मतलब मेरी लोकेशन कहाँ पर है लोड पर है एल इक्व टू जीरो मतलब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ लोड पे खड़ा हूँ लोड से लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चलिए लोड से लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चलिए तो लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चलते हैं चलिए जेड एल इज इक्वल टू जेड जेड नॉट कॉट बीटा एल तो आप देखिए कि लेंथ कितनी चलनी है लेमडा बाई फोर तो लेमडा बाई फोर यहाँ पे रख दीजिए बीटा की वैल्यू टू पाई बाई लेमडा 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 कैंसिल आउट टू टू जो फोर कॉट पाई बाई टू मतलब जीरो अब ध्यान से देखिए कि L इक्वल्स टू जीरो मतलब लोड पर इम्पीडेंस कितना है इनफाइनाइट है डिस्टेंस कितनी चलनी है लोड से लेमडा बाई फोर लेमडा बाई फोर डिस्टेंस चला लेमडा बाई फोर डिस्टेंस पे इम्पीडेंस कितना आ गया जीरो आ गया यहाँ पे इम्पिडेंस इन्फिनिटी था और यहाँ पे इम्पिडेंस क्या हो गया जीरो हो गया क्या इम्पिडेंस इन्वर्ट हो गया वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा जीरो होगा तो क्या हो गया इसने इस ट्रांसमिशन लाइन ने इम्पिडेंस को कम्प्लीटली क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन समाइम्स वर्क्स एज अम्पिडेंस इन्वर्टर तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तो ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बिहेव्स एज अ अम्पीडेंस इन्वर्टर इट कैन बिहेव एज अ पैसिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट के तरीके से बिहेव कर सकता है कैसे कर सकता है ये आपने देखा कि आपने यदि लेंथ को वेरी करा दिया लेंथ लेस देन लेमडा बाई फोर है तो कैपेसिटिव नेचर और ग्रेटर देन लेमडा बाई फोर है तो आपका इंडक्टिव नेचर है इंडक्टिव नेचर भी शो करता है आप ये बेसिकली किसका ग्राफ है कॉट बीटा एल का ग्राफ है बेसिकली इस ग्राफ को एनालाइज़ करना है यदि लेंथ जीरो है लेंथ यदि जीरो है तो आपकी लोकेशन कहाँ पर है आप कहाँ पर खड़े हैं आप बेसिकली लोड पे खड़े हुए हैं आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन में ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में देखा होगा रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू क्या आ रही वन आ रही है मतलब वेव्स कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और ये ये जो लोड है किसकी तरीके से काम करने लगेगा एज अ मिरर की तरीके से काम करने लगेगा एल इन्वॉल्व है मतलब पक्की बात है आप कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोड से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और फिर आपको मैंने बताया था कि इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है कि इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मैंने आपको ये दिखाया कि ये देखिए ये इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसमें टेन बीटा इन्वॉल्व है मतलब पक्की बात है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू के, के लिए वैल्यू क्या होती है आर और जी की जीरो होती है इसको सॉल्व किया देन कॉट बीटा एल मिला फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था इसके पहले मैंने ये बताया कि वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन यदि ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा हाई होगा करंट क्या होगा जीरो होगा करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम कैसा पैटर्न स्टैंडिंग वेव पैटर्न तो आपने ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन होपफुली आपको समझ में आया होगा सो so, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच